नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कि भैया हमारी SUL की थर्ड कट ऑफ लिस्ट की जो फीस पेमेंट है, जो लिंक है, उसका अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा। बिल्कुल मैं इस बात से अवगत हूँ और मैं जानता भी हूँ कि आपका फीस लिंक नहीं आया है और काफ़ी बच्चों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक बात करें कि ये जो प्रॉब्लम है केवल आप में ही नहीं है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फीस लिंक नहीं आया है। मैं आप सभी को एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, NCVAP, जैसे कि आप सभी जानते हैं, NCVAP में थर्ड कट ऑफ लिस्ट में यही सेकंड कट ऑफ में उनका यही सिस्टम हो रहा था कि उनकी जो फीस लिंक है नहीं आई थी, पर उनका जो NCVAP में अब जो है फीस लिंक आ गई है और उन्होंने पेमेंट भी कर दी, उनका सेकंड कट ऑफ में एडमिशन कन्फर्म हो चुका है NCVAP में, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही NCVAP, जहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट ही केवल एडमिशन लेती हैं। बात करें SUL की, मैं आप सभी को बता दूँ, मैंने आप सभी को इसलिए बोला था क्योंकि जब कल या परसों की बता दूं मैं आप सभी को, उनका लिंक तभी आ गया था NCVAP का। मैंने सोचा कि अब जो है SUL का भी आ जाएगा, तो मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी। पर यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय अभी भी जो है, बता दूं मैं आप सभी को, बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा है, डिले कर रहा है आप सभी के एडमिशन में। इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब यार मैं आप क्या बताऊँ। SUL का देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पर फोर्थ कट ऑफ लिस्ट आई है, फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में से भी इन्होंने क्या कर रखा है। बात करें MA हिंदी सब्जेक्ट है, जैसे MA हिंदी का इन्होंने एंट्रेंस की लिस्ट निकाल दी, पर मेरिट की लिस्ट नहीं निकाली। यार मतलब जैसे कह सकते हैं कोई लापरवाही की हद होती है कि यार एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, बच्चे यहाँ पर कब तक करेंगे। मैं आप सभी की यार सारी बातों से मैं अवगत हूँ कि आपको बहुत इस समय टेंशन हो रही है अपने एंट्रेंस के रिलेटेड, कि आपके कैसे एंट्रेंस गया, आप कैसे यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं और एडमिशन कब तक होगा, कैसे क्या सब चीज़ है। मुझे खुद पता है कि हाँ आपके पास ये बहुत ज़्यादा माइंड में आपके सवाल आ रहे होंगे, समझ गए। तो बाकी यार मैं आप सभी को देखिए मैं बता दूँ, अब दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ पर कुल सचिव ने जो है 31 तारीख एडमिशन के लास्ट डेट रखी है, और कोई स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि भैया वो जो था वो रेगुलर के लिए था। हम मान सकते हैं कि रेगुलर का था, पर फोर्थ लिस्ट यहाँ पर इन्होंने दी है, तो मेरिट की एंट्रेंस की दे दी तो मेरिट की भी दीजिए। और आप सभी को बता दूँ एक और कोटा चलता है, इसके अंदर वार्ड कोटा, तो वार्ड कोटा वालों की भी किसी किसी में लिस्ट इन्होंने दी है और किसी किसी में नहीं दी। तो यार समझ नहीं आ रहा कि SUL इस बार पता नहीं क्या कर रहा है। SUL क्या, हम बात करें सारे डिपार्टमेंट इनके, SUL भी, NCVAP भी और रेगुलर भी। रेगुलर की तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं अब आपको क्या कहूँ, फोर्थ कट ऑफ लिस्ट के आने के बाद अगर फिफ्थ कट ऑफ का तो मुझे लग नहीं रहा कि आएगी, समझ गए। फिफ्थ कट ऑफ मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी रेगुलर की। उसके लिए आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पूरा सब कुछ बता दूंगा कि आखिर क्या रीज़न है उसका जो फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, समझ गए। तो SUL की जो इम्पॉर्टेंट बात थी यही थी कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द आपके में भी आ जाएगा, और हो सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय आपको दे भी दे, पर आज जो है सैटरडे है, कल संडे है और परसों आपका मंडे हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब 18, 19, 20, अगर यार 20, 21, 22, 23 हो जाएगी यहाँ पर, अगर हमको फीस लिंक नहीं मिलेगा तो, अगर अभी तक जिनकी कट ऑफ नहीं आई है, बात करें फोर्थ लिस्ट की एंट्रेंस की आ गई, मेरिट की नहीं आई, तो उनका एडमिशन कब होगा, उनकी डेट कब आएगी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ये सब सोच नहीं रहा है, अगर ये सब दिमाग पे ले और समझे कि हाँ यार मतलब बच्चों का एडमिशन रुक रहा है और सब कुछ प्रोसेस इस समय डिले है, समझ के। अगर अप्रूवल आ गया किसी बच्चे का, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, अप्रूवल आ गया, तो उसके बाद फीस लिंक नहीं देंगे ये। फीस लिंक देंगे तो फीस लिंक होने के बाद उसकी क्लासेस का शेड्यूल पता नहीं चलेगा कुछ भी। बस आपको ये रखना है कि हाँ थोड़ा सा मैं आप सभी को बता दूँ, फीस लिंक में आप सभी को पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो आपको ये मान के चलिए कि आपका एडमिशन हो गया, इतना तो मान के चलिए। ये मत कोई टेंशन लीजिए कि अगर हमने यार फीस लिंक नहीं मिला हमें तो, देखिए इतना मैं आपसे बताऊँ, अगर डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं तो फीस लिंक तो आएगा ही। और ऐसे आप केवल एक स्टूडेंट तो है नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पता नहीं कितने बच्चे आते हैं, हज़ारों बच्चे आते हैं, तो सभी में ये कंडीशन आ रही है, सभी में दिक्कत आ रही है। मेरे पे बहुत मैसेज आए आपके, ये नहीं कहूँगा कि केवल आप ही का है, कोई भी एक बच्चा ले लीजिए, जैसे भी आप, आपको माने कि एक बच्चा नहीं, मेरे पर बहुत बच्चे के कमेंट आए हैं कि भैया फीस लिंक नहीं आया, SUL का फीस लिंक नहीं आया। तो उनको मैंने कहा देखिए SUL जो SUL है यहाँ पे आपका फीस लिंक आपका अगर नहीं आया, तो मैंने NCVAP में देखा है वहाँ पर कुछ दिन पहले फर्स्ट कट ऑफ आई थी, सेकंड आई थी, तो उनकी फीस लिंक नहीं आया, तो और उनका फीस लिंक दे दिया। हो सकता है कि अब SUL का भी आपका काम चलने लगे और SUL का भी फीस लिंक आ जाए, तो उस हिसाब से मैंने आप सभी को बताया था। और वो भी बात यहाँ पे पूरी कंफर्म नहीं हो रही, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कह सकते हैं पूरा डिले कर दिया है, मैं इतना आपको बता दूँ। और हो सकता है कि अगर SUL में अगर नेक्स्ट कट ऑफ आती है, फिफ्थ कट ऑफ आती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वैसे जब तक यहाँ पर फीस लिंक नहीं हो जाती, फीस पेमेंट नहीं हो जाती, जिस कट ऑफ की, मतलब कहने का मतलब फोर्थ कट ऑफ की, फोर्थ कट ऑफ के पूरे एडमिशन होने चाहिए, कहने का मतलब है
अगर एंट्रेंस मेरिट और वार्ड कोटा सभी का आता है तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे हमें हिंदी, तो हमें हिंदी की तीन निकलेंगी लिस्ट, उसमें एंट्रेंस मेरिट अलग से निकलेगी, एक वार्ड कोटा वाली सभी। तो वार्ड कोटा में मेरे हिसाब से पीडब्ल्यूडी को भी डाल देंगे और वार्ड कोटा वालों को भी, तो वो कट ऑफ निकलती है। तो एक सब्जेक्ट में तीन कट ऑफ निकलती है, वहाँ पे एक कट ऑफ निकाली है, दो कट ऑफ नहीं निकाली, तो इसलिए प्रोसेस बहुत डिले होगा। और 31 तारीख अगर लास्ट डेट रखी गई है तो ये एक्सटेंड हो सकती है, समझ गए। एक्सटेंड इसलिए होगी क्योंकि इन्होंने प्रोसेस डिले करा है और एडमिशन भी नहीं लिए हैं, और इतनी जल्दी है नहीं कि एक ही दो दिन में सारा काम हो जाए, समझ रहे हो आप। फीस लिंक आपका आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, अपनी पढ़ाई करिए। और मैं आप सभी को बता दूँ, बहुत जल्द जो है आपकी क्लासेस का जैसे शेड्यूल आएगा SQL की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या आपके पास सिलेबस है इन सभी सब्जेक्ट का, बात करें MHistory, MA पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, MCOM, जितने भी आपके SQL के सब्जेक्ट हैं, PG के, पोस्ट ग्रेजुएट के, वो तो सभी उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी क्लासेस की, आपके कैसे पेपर्स होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, सब्जेक्ट क्या पढ़ना है हमको, कैसे किताबें परचेस करनी है, कहाँ से लेनी, कैसे करना, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त होती है। और हमारा खास चैनल जो है हिंदी साहित्य के ऊपर है, और इसमें हम दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितनी मैंने आप सभी को बातें बताई हैं सभी इंपॉर्टेंट होंगी। और एक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन आती है कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय की, आपको मिल जाएगी, समझ गए। तो इस समय तो अभी कोई SQL की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कहने का मतलब है आज है 18 तारीख और यहाँ पर 9:30 बज रहे हैं, समझ गए, 9:30 हो रहा है, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन SQL की या रेगुलर की, NCVAP की कोई नहीं आई है। वैसे जैसे मॉर्निंग में, कल संडे है, कल अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप सबसे पहले मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल वो सभी जो मैंने आप सभी को बातें बताई हैं आपको फॉलो करनी है, समझ गए। तो बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।